हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है शुभंकर गुप्ता, आप देख रहे हो शुभंकर गुप्ता ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम प्रयागराज से सीधा जा रहे हैं आगरा। आगरा में हम घूमेंगे ताजमहल, सेकंड हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन, ठीक है, तीसरा हम जाएंगे वहां पे लाल किला, और उसके बाद वहां घूमने के बाद हम लोग निकलेंगे सीधा मेहंदीपुर बालाजी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, ठीक है, इसीलिए हम इसका पार्ट 2 या 3 भी निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते और घूमते हैं आगरा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन में, ठीक है, गेट नंबर 3 के पास। अब यहां से हम लोग सीधा अंदर जाएंगे, देख सकते हो आप लोग, यहां से हम लोग सीधा अंदर जा रहे हैं टिकट काउंटर पास, ठीक है। वहां से हम लोग आगरा के लिए टिकट ले लेंगे, ठीक है, बस पहुंचने वाले हैं। हमने हमारी टिकट ले ली गई, ठीक है, आगरा के लिए। देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो, ये ट्रेन टिकट है, हमारी ट्रेन 11 बजे की है। हम अपनी ट्रेन पे बैठ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मुझे ऊपर वाली सीट मिली है, आप लोग देख सकते हो। हमारी ट्रेन का नाम है लालगढ़ एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज 11 बजे से निकलती है और सुबह हम लोग को 6 बजे तक पहुंचा देगी, ठीक है गाइस। ये ट्रेन हमें सीधा आगरा छावनी पे उतारेगी, ठीक है, आगरा कैंट में, जो कि ताजमहल से थोड़ा सा दूर होगा, या कह सकते हो एक स्टेशन थोड़ा पहले होगा, ठीक है गाइस, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, आप लोग भी जा सकते हो। हम जल्दी आगरा पहुंचने वाले हैं गाइस, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, 1-1.5 घंटे में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। हम लोग आगरा के एंड पहुंच चुके हैं गाइस, आगरा छावनी में, ठीक है। हम लोग 11 बजे चढ़े थे स्टेशन पे प्रयागराज जंक्शन में, और अभी इस समय हो रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग 7-8 घंटे ऐसे लग चुके हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सीधा बाहर जाएंगे, आप लोग देख सकते हो, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बस हम पहुंच चुके हैं एग्जिट के पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं आगरा छावनी, आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ, देख सकते हो ये है हमारा कमरा। 560 में हमें सिर्फ एक कमरा, एक पंखा और एक बाथरूम मिला हुआ जो कि जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ घंटों के लिए, ठीक है, और इधर टीवी सिर्फ देखने के लिए है, ठीक है, यूज़ नहीं होता है। तो यही हमारा कमरा, ठीक है, मिला है 560 का, सिर्फ कुछ घंटे के लिए, ठीक है। मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग ऑनलाइन जाकर कोई भी होटल रूम अपने से बुक कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन चेक कर लेना। ये होटल रूम हमें आगरा कैंट के पास में मिला है, ठीक है, ऑटो ड्राइवर के सजेशन से, लेकिन तुम लोग अपने से जाकर चेक कर लेना, ऑनलाइन कोई अच्छा रूम देख लेना, ठीक है। अब हम तैयार हो चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधा आगरा ताजमहल देखने के लिए, ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सामने की तरफ तुम लोग देख सकते हो सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सीधा मेट्रो स्टेशन के पास वाले गेट से जाएंगे, जो कि हम पहुँच चुके हैं। यहाँ हमें कुछ कदम हम लोग को पैदल ही अंदर जाना होगा, तब जाके ताजमहल पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ अंदर भी कुछ टूरिस्ट व्हीकल्स भी चलती है, तुम लोग उसका भी पैसा देकर अंदर जा सकते हो, ठीक है। और हाँ, तुम लोग को अगर टिकट खरीदनी है तो यहाँ का प्राइस है सिर्फ 50 रुपये, ठीक है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का। और अगर तुम लोग को ताजमहल के अंदर जाके देखना है कब्र के पास, तो तब 250 रुपये की टोटली टिकट होगी। और तुम लोग को कोई गाइड चाहिए तो उसका 250 रुपये अलग लगेगा, ठीक है गाइस। और लीजिए, हम पहुँच चुके हैं वेलकम गेट के पास, ठीक है, वेलकम गेट थोड़ा ही आगे है यहाँ से, ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। और देखिए, ये रहा वेलकम गेट, ठीक है, और पास चलते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर 3 गेट है, ठीक है, हम लोग आए हैं मेट्रो स्टेशन वाले गेट से, ठीक है, और इसको कहते हैं वेलकम गेट गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल, ठीक है, हम लोग यहीं से एंट्री लेंगे और यहीं से ताजमहल सीधा हम लोग को सामने दिखेगा। और ये है यहाँ का मैप, ठीक है, तुम मैप देख सकते हो। और ये देखिए, आप सामने इधर देख सकते हो ताजमहल, ठीक है, अभी हम लोग और इसके पास चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ताजमहल गाइस, ठीक है, अभी और पास से जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। और ये है हमारे पीछे वेलकम गेट, ठीक है, आप लोग देख सकते हो पीछे से कैसे दिखता है। और वो यहाँ की मस्जिद है गाइस, जो कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए जुम्मे के टाइम पे खोला जाता है। ताजमहल को 20,000 मजदूरों ने बनाया था, ठीक है, 16,000 इंडियन थे और 4,000 नॉन इंडियन थे। हमारे पीछे फाउंडर्स भी हैं। तुम लोग को यहाँ पे शू कवर्स भी मिल जाएंगे, जो कि फ्री में भी मिलते हैं और तुम लोग 10 रुपये पे करके भी ले सकते हो। ताजमहल में जो पत्थर लगाए गए हैं उसको कहते हैं मकराना स्टोन, जो कि राजस्थान से लाया गया था। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं गाइस, ये यहाँ की मस्जिद है गाइस, और हम लोगों ने 250 वाली टिकट लिया है, इसीलिए हम लोग
फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और सामने की तरफ तुम लोग वेलकम गेट देख सकते हो, ठीक है, कैसा दिख रहा है यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर से। और ये है ताजमहल के अंदर का व्यू, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और सामने मुमताज़ जी की डुप्लीकेट कब्र और ओरिजिनल कब्र उसी के नीचे ही दफनाई गई है। अब यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और ये है ताजमहल के जस्ट पीछे है यमुना नदी और सामने की तरफ मस्जिद है। ताजमहल को इस तरीके से बनाया गया था गाइस कि ये चारों तरफ से एक ही जैसा ही दिखेगा। और सामने की तरफ देख सकते हो वहाँ पर कुछ मेंटेनेंस भी चल रही है और इधर से भी देख सकते हो एकदम बराबर ही दिखता है। गाइस तुम लोग ये जो फाउंटेन देख रहे हो ये 400 साल पुराने हैं, ठीक है, और ये आज भी काम करते हैं। अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं गाइस सीधा म्यूजियम की तरफ। अब हम यहाँ से जा रहे हैं हम बस म्यूजियम की तरफ पहुँचने ही वाले हैं गाइस। ये है म्यूजियम गाइस और ये है ताज म्यूजियम जो कि 9 बजे सुबह से खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए हमें कैमरा बंद करना पड़ा, लेकिन तुम लोग को एक हिंट दे देता हूँ कि अंदर तलवार, भाला और नक्शा और कौन कौन से पत्थर से ये जगह बना हुआ है उसका इतिहास यहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ हिंदू टेम्पल्स के लोकेशन और उनके फोटोज यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हो गाइस। और ये यहाँ का मैप है, तुम लोग गाइस इसको देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर अच्छी लगी वीडियो जल्दी से लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी जाके तुम लोग फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में, तो चलिए चलते हैं।